नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग। फिरोजाबाद जिले में आज एक ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। घटना सिरसागंज क्षेत्र की है, जहां एक पिता को बेटी का प्यार करना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी बेटी के साथ उसके प्रेमी की हत्या कर दोनों शव को यमुना नदी में फेंक दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद थाना पुलिस ने आगरा से PAC के गोताखोरों को बुला करके शवों की तलाश शुरू कर दी है और युवती के पिता सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर का है, जहां निवासी उत्तम यादव और नेहा नामक युवती 31 जुलाई को अचानक लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों ने ही इन्हें कहीं से खोज निकाला और 10 अगस्त को घर लाए और दोनों की हत्या कर दी और दोनों के शव को नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बटेश्वर पुल से यमुना नदी में फेंक दिया, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर लड़की के पिता को हिरासत में लिया है। पूछताछ में लड़की के पिता ने बताया कि उसने ही उत्तम और नेहा की हत्या की है। हत्या करने के बाद दोनों शव को यमुना नदी में फेंक दिया। इस बारे में SSP ने थाने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम लालू यादव। क्या मामला है सर? 31 तारीख से उत्तम सिंह घर से गायब थे, तो लड़की नेहा है, तो देवराम की लड़की है। कौन से गांव की? जहांगीरपुर। वो थाना सिरसागंज। तो जब देवराम को पकड़ा गया पुलिस ने, तब उन्होंने नाम लिया कि हमने काट के 2 तारीख बता रहे हैं, 2 तारीख को जमुना जी में डाल दी। 7 तारीख को हमने FIR की, 10 तारीख को 364 का मुकदमा लिखा गया। देवीराम पड़ोसी है, लड़की के पिताजी हैं पड़ोस में। SHO साहब सिरसागंज और CO साहब आगरा और नसीरपुर पुलिस और PAC और गोताखोर सब लोग यहाँ मौजूद थे और जमुना जी में तलाश की। कौन सी जगह? जमुना जी? जमुना जी बटेश्वर रोड, नारंगी घाट। तो क्या कोई सफलता नहीं मिली अभी? तो सर कोई नहीं मिली। अब जिसका भाई और पकड़ा जाएगा तब बताएगा, इसने नहीं बताया अभी कोई। मैं एक सुहर सिंह हूँ। उन्होंने 10-8 को 10 अगस्त को शिकायत किया कि उनका बेटा उत्तम बिना बताए 20 वर्ष उसकी उम्र है, घर से गायब हो गया है। तो उनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली गई उपनिरीक्षक गौरव सिंह और जांच करना शुरू किया। जांच होती रही, फिर उसके बाद 12 तारीख को आके बताया कि हमारे बेटे को, उन्होंने 6-7 नाम बताए, देवी राम, शिवराज, रोहित, राहुल, अमन और गुंजन जुगाड़ी का उसको उठा के ले गए हैं। तो फिर उसको मैंने अपहरण में दर्ज कराया। अपहरण दर्ज हुआ तो पुलिस कुछ ज़्यादा सक्रिय हुई, चारों तरफ हम लोग जांच पड़ताल में निकले। तो फिर जानकारी में ये आया कि इस मुकदमे का जो IO है खालिद, उसकी जानकारी में आया कि ये लोग जो है देवी राम की जो लड़की है नेहा और ये जो लड़का गायब हुआ था उत्तम, दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे। तो ये दोनों घर से निकले। इससे पहले भी एक बार ये विगत मार्च में होली के टाइम पे गायब हो चुके थे, तो समझौता आपस में कर लिए थे लोग, गुपचुप टाइप, किसी को बताया नहीं था। तो उसको लेकर के चला गया है। तो लड़का एक बिनेश है, उसने सूचना दिया इसके पिता को उत्तम को कि यहाँ पे ये लोग हैं। तो ये इसके जो लड़की का बाप है देवी राम, ये अपने भाई को 5-6 लोगों को लेकर गया दिल्ली। वहाँ से लड़के लड़की को ले आया और लड़की को काफ़ी समझाया कि मान जाओ जो भी किया उसने, जो बता रहा था मैंने उसका पूरा इंट्रोगेशन किया है, बहुत तफसील से बात की है उससे। तो नहीं मानी लड़की, तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की का गला दबाया, जैसा बता रहा है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। आगरा की PAC भी आ गई है फ्लड की। तो जैसा उसने बताया कि हमने गला दबा करके उसको बटेश्वर पुल के पास से नदी में फेंक दिया है। अब वो गिरफ्तार है, कब्जे में, हिरासत में है हमारे। बाकी लोगों को भी मैं, लड़के लड़की दोनों को किया है या एक? दोनों को, उसके अनुसार जो उसने बताया देवी राम ने, वो दोनों को ही मार डाला है और उसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। डेड बॉडी मिल जाएगी तभी इसकी बात के साक्ष्य मिल पाएंगे, जो कर रहा है वो सही है। बाकी अभियुक्तों को भी बहुत सघन तरीके से तलाश की जा रही है, वो मिल जाएंगे तो कॉर्बोरेशन हो जाएगा घटना का और लाश मिल जाएगी, तो उसकी बातों का पुष्टिकारक साक्ष्य होगा।
और सीओ वहाँ पे कैम्प कर रहे हैं, मैं भी मौके पे गया था, काफ़ी देर वहाँ पे रहा, तहकीकात किया, बात किया, पीएसी लगा दिया है गोताखोरों को, पेड़वाड़ी की तलाश हम लोग कर रहे हैं और मुलजमान की तलाश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी पूरी घटना का अनावरण करके अन्य विधि कर कार्रवाई करेंगे।